धरणी भगवान विष्णु। महाराज आप सबने कुछ वर्ष पूर्व हुई आकाशवाणी के विषय में तो सुना ही होगा। उस विष्णु ने घोषणा करवाई थी कि उसका अवतार राजकुमारी देवकी के आठवें पुत्र के रूप में जन्म लेगा और मेरा अंत कर देगा। शत्रु को अवसर देना मेरे स्वभाव में नहीं और यह तो मेरे अस्तित्व का प्रश्न था, इसलिए मैंने स्वयं अपने इन हाथों से देवकी की प्रत्येक संतान का अंत कर दिया। और मैं क्या करता, किंतु कल रात्रि तू मुझको क्या मारेगा, अपनी आयु संभाल, काल तेरा अवतरित हुआ, रूप है उसका काल। ध्यान देना यशोदा मैया, तेल लगाने के बाद ही असली मालिश प्रारंभ होगी। अपने भाई की सहायता करने आने के लिए धन्यवाद बहन योगमाया। चिंता मत करना नीलमणि, तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी मैं। परेशान मत हो मैया, हम दोनों कुछ नया सीखेंगे आज, बहुत आनंद आएगा। कोमलता से लल्ला के हाथ पैर को ऐसे दबाना होता है। मुझे तो लगा था ये सब आसान होगा, क्या कर रही हो योगमाया, मेरे तन को ऐसे क्यों मरोड़ रही हो? ऐसे अब पीठ की बारी है। धन्यवाद, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, ये अत्याचार समाप्त हुआ। है? अब मुझे उल्टा क्यों कर दिया? संभल के योगमाया। आप चिंतित ना होइए। बाकी है क्या बहन? रीढ़ का शक्तिशाली होना बहुत आवश्यक होता है। मुझे पता नहीं था स्नान करना इतना कठिन भी हो सकता है, इससे आसान तो संसार संभालना है। वैसे तो एक माता अपनी पुत्री को संसार के विषय में सब कुछ सिखाती है, किंतु यहाँ पुत्री अपनी माँ की सहायता एक माँ की तरह कर रही है। सिखा रही पुत्री, देखो सीख रही है माँ, पर ना पाए पहचान है न्यारी प्रभु लीला। बहन भाई की सेवा करती देखे गोपियां, संबंध अनोखा सबके समूह, हर कोई जाने ना।
सूर्य देव की किरणें लल्ला पर पड़ने दो मैया, धूप से ही तो इसे आवश्यक शक्ति मिलेगी जिससे इसकी अस्थियां और तन शक्तिशाली बनेगो। मैं तो तुम्हें देखकर प्रसन्न था योग माया, मुझे लगा था तुम मेरी मैया का कष्ट दूर कर दोगी, पर तुमने तो मेरा ही कष्ट बढ़ा दिया। बहन होने का पूरा लाभ उठा रही हो तुम। अब हम इसे हल्दी और बेसन के मिश्रण से नहलाएंगे और संभ्रानी से सुखाएंगे। अब ये अजीब सी वस्तु क्या है? ये चिपचिपा रही है, किस बात का दंड दे रही हो बहन? मुझे पता है आप बहुत चिंतित है यशोदा मैया, पर नारायण पर भरोसा रखे, सब अच्छा ही होगा। इतनी सावधानी के बाद भी वो कपटी विष्णु मुझे धोखा देने में सफल हो गया। दुष्ट है वो, छलिया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो एक बार फिर छल का प्रयोग करके जीत जाएगा। मार डालेगा वो विष्णु मुझे। आप सभी भली भांति परिचित हैं मुझसे, जानते हैं मेरे स्वभाव को। जब जीवन पर संकट हो अभिमान अर्थहीन होता है, जब प्राणों पर आ जाए तो सम्मान स्वाभिमान सब निरर्थक होता है। किंतु सत्य ये है कि आज मुझे भय लग रहा है। महाराज आदिराज कंस, जिसकी एक हुंकार पे संपूर्ण संसार कांप उठता है, आज उसे भय लग रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? भय आपके सम्मुख भटक भी नहीं सकता। क्या आपको स्मरण नहीं हम आपके मित्र कैसे बने थे? मैं भूमासुर, ये बकासुर, और वहां बैठे वत्सासुर और वाणासुर। जीवन भर में जो भी हमारे सम्मुख आया हमें उसे यमराज के पास भेजने में एक क्षण भी नहीं लगा। किंतु फिर वो हुआ जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। विश्व विजयी असुरों को आपने सहज ही पराजित कर दिया। एक ऐसा अभूतपूर्व योद्धा महाबली कंस आज भयभीत हो रहा है। यह संभव है महाराज? जिसने आपको भयभीत करने का दुस्साहस किया है उसके प्राण हरने का समय आ गया है महाराज। विष्णु के विरुद्ध हम सभी आपके साथ हैं। महाराज, तुम सब की मित्रता मेरी शक्ति है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सब उस विष्णु अवतार को ढूंढने में मेरी सहायता करो। सोचो कैसे खोजा जा सकता है उसे, कहां मिलेगा वो? विष्णु, विष्णु, बातें तो बहुत अच्छी कही, किंतु ये क्या कर रही हो? मत डालो, नहीं, नहीं। आह, अब आया आनंद। योग माया, तुम्हारा धन्यवाद। सचमुच ये अत्यंत आनंददायक है। किंतु सत्य कहूँ बहन, मैया की गोद से अति सुखद और कुछ भी नहीं है।
विष्णु कोई भी रूप धारण कर सकता है, हम उसे पहचानेंगे कैसे? बल का प्रयोग आसान है मत्सासुर, बुद्धि का प्रयोग करो, कुछ भी करना पड़े करो, किंतु उपाय खोजो। मिल गया उपाय, मैं जानता हूं उसे कैसे खोजना है उस छलिये को। शीघ्र बताओ बकासुर, क्या सुझाव है तुम्हारा? विष्णु जैसा व्यक्ति वही निवास करेगा जहां सत्य और शांति व्याप्त हो, जहां गायों की पूजा होती हो और बच्चे बिना किसी भय के सुरक्षित वातावरण में खेलते हों, जहां ब्राह्मण शास्त्रों के अनुसार जीवन यापन करते हों, जहां यज्ञ हवन होता हो, ऋषि मुनि तप करते हों, जहां विष्णु के भक्तों को पूजा आराधना करने की स्वतंत्रता हो। वाह बकासुर वाह, बिल्कुल सटीक वर्णन किया है तुमने उस विष्णु के प्रिय स्थान का। बस अब हमें केवल विनाश का नृत्य करना है। ऐसे सभी स्थानों की शांति भंग कर देनी है, यज्ञ स्थलों को भ्रष्ट करना है, मंदिरों को नष्ट करना है, ब्राह्मणों को आतंकित करना है, गायों को छीनना है और उनकी हत्या करनी है। यदि हम ऐसा करने में सफल हुए, वो समाज रक्षक विष्णु स्वयं सामने आने पर विवश हो जाएगा और मैं उसका आसानी से अंत कर दूंगा। एक नवजात शिशु की हत्या करने में क्या कठिनाई आएगी भला? जी लो मैया, हो गया। माय, मुझे ये सब सिखाने के लिए, मेरी सहायता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मेरा कर्तव्य था। मुझे बड़ा अपनापन सा लग रहा है आपके साथ, किंतु कभी मिले हो ऐसा स्मरण ना हो रहा है, समझ ना आ रहा है संबंध ही क्या है हमारा। मैया पुत्री का संबंध है हमारा। अरे मेरी बिटिया की तरह ही तो हो तुम। तो फिर आप ही बताओ माई, मैं ऐसा क्या करूं कि अपने लल्ला के लिए संसार की सबसे अच्छी मैया बन पाऊं? संसार की सबसे अच्छी मैया ही हो तुम। सदैव स्मरण रखना, तुम दोनों का मैया लल्ला बनना विधि का विधान है, विधाता की इच्छा है, श्री हरि नारायण का वरदान है ये। तुम जैसी हो बस वैसी ही रहना, अपने लल्ला की मैया, इसलिए तो आया है ये संसार में। मैया का कर्तव्य निभा पाना बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, क्या पता मैं जे निभा पाऊंगी भी कि ना। निभाओगी, बहुत अच्छे से निभाओगी तुम अपना कर्तव्य, इसीलिए तो चुना है इसने तुम्हें। जाओ, कोई जाकर लल्ला के वस्त्र ले आओ। यशोदा, क्षमा करना यशोदा, मेरा पुत्र रोने लग गया था, उसे सुला कर आई। ये लो मेरे पुत्र के वस्त्र,
नीलमणि को पहना दो पुराने वस्त्र। यशोदा, नवजात शिशु को पुराने वस्त्र ही पहनाने चाहिए। नए वस्त्रों से कोमल त्वचा को रगड़ लग जाती है। बस एक बार इसे वस्त्रों की आदत लग जाए, फिर तुम्हें जैसे वस्त्र अच्छे लगेंगे वैसे पहनाना। चिची, जिन्होंने लल्ला को नहलायो, मालिश की, वस्त्र भी उन्हें ही पहनाने चाहिए। नहीं माई, यशोदा किसे ढूंढ रही हो? लगता है चली गई। कौन? अरे चिची, वही जिन्होंने अभी मेरी सहायता की। चिची, मुझे ऐसा लगो जैसे मेरा कोई विचित्र सा संबंध है उनके साथ। मैं भी कैसी भावनी हूं, ना मैंने उनका नाम पूछो, ना ही मैंने उन्हें कुछ दिया। आपने मुझे अपने हृदय से लगाया मैया, मेरे लिए संसार की समस्त नीतियों से बढ़कर है वो। यशोदा, तुम कहाँ खो गई? चलो अभी लल्ला को तैयार भी तो करना है। बाहर सारे ग्रामवासी प्रतीक्षा में व्याकुल हो रहे हैं। चलो। बस एक बार वो बालक मेरे हाथ लग जाए। प्रतीत होता है आप कोई नई लीला दिखाने वाले हैं प्रभु। मालिश कराते ही अद्भुत शक्ति आ गई है तुम्हारे लल्ला में। चलो यशोदा, आप शीघ्रता करो, पूरा गोकुल इकट्ठा हो गया है इसके दर्शन के लिए। सब बहुत आकुल है, अलग पावड़े बिछा कर इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक एक करके आइए, हमारे लल्ला से मिलिए और उसे आशीर्वाद दीजिए। मैं प्रथम हूं, सबसे पहले मैं मिलो हूं। मेरी गोकुल के दुलारे नंदलाल नारायण जी से प्रार्थना है, तुम बड़े होकर हमारे राजा बनो और अनंत काल तक तुम हम सबकी रक्षा करो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.